सोल्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। इस फुल मून क्या एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस फुल मून हमारी बहुत सी फेमिनाइन सेल्फ लव की एनर्जी में है, उनमें बहुत से चेंजिंग वो फील करेंगी। उनका ऑरा पहले से ज़्यादा इस मून स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आपको फील होगा। उनके अंदर हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा। जो चीज़ें उन्हें दुखी करती हैं, उन चीज़ों को वो याद नहीं करना चाहती। लोगों को देखने का उनका नज़रिया चेंज होगा। वह खुद पर, अपने वर्क पर और फोकस बनाएंगी। जहाँ से उन्हें खुशियाँ मिल रही हैं वह लेंगी। जो चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं, उन्हें दुखी या परेशान करती हैं, उनसे वह दूरियाँ बना रही हैं। नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रख रही हैं, उनकी तरफ वह ध्यान नहीं दे रही हैं। उन चीज़ों से वह खुद को दूर रहना ही उन्हें ठीक लग रहा है। मैस्कलाइन को लेकर या उन्हें मिस करके दुखी होती थी, परेशान होती थी, बट खुद को अब उन्होंने समझा लिया है वो कब तक इस एनर्जी में रहेगी। सो वो उनकी ओर से भी अपना ध्यान हटा रही है और आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्हें मैस्कलाइन याद कर की याद आती है, बट उन्हें याद कर वह ड्रेन हो जाती हैं। तो वह सोच रही हैं कि वह मैस्कलाइन के बारे में इतना ज़्यादा सोचकर कब तक ऐसे ही परेशान रहेंगी, स्टक रहेंगी। तो इस फुल मून हमारी फेमिनाइन अवेकनिंग से गुजर रही हैं। अब वो पास्ट की चीज़ों को याद करके परेशान नहीं हो रही हैं, खुद को हैप्पी रखने का तरीका अपना रही हैं। कैसे खुद को हैप्पी रखे उस पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि मैस्कलाइन ने उन्हें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दी है, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो उन्हें लगता है कि मैस्कलाइन अब अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, तो वो भी क्यों स्टक रहे। बट फेमिनाइन, वह अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। वो जो दिखा रहे हैं वह सही नहीं है। वो खुद को ऊपर से हैप्पी और स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, बट अंदर से वह अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। वो दिखा रहे हैं कि वह हैप्पी हैं अपनी लाइफ में फेमिनाइन के बिना भी, बट ऐसा नहीं है। फुल मून की एनर्जी से उनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। वे अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उन्हें रिग्रेट हुआ है कि उन्होंने गलत किया है। वह फेमिनाइन को अप्रोच करने में देरी कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास होगा, उसका भी रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है। वो फेमिनाइन से बात करना चाहते हैं, उन्हें अप्रोच करना चाहते हैं। किसी बर्डन को हमारे मैस्कलाइन फील कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने फेमिनाइन को रिजेक्ट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली को चूज़ किया, यानी यहाँ थर्ड पार्टी इशू है, जहाँ मैस्कलाइन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, प्रेशराइज करती हैं। यहाँ थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती हैं, मदर, सिस्टर या फिर कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं, जिनके कारण भी वह अपनी फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस फुल मून उनकी अवेकनिंग होगी और वह खुद को इस बर्डन से या इन बंधनों से मुक्त करेंगे, इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो पीछे सब छोड़कर, रिलीज़ करके या फिर फ्री होकर वह फेमिनाइन के पास आ रहे हैं। तो यहाँ कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप है तो वह कंप्लीट होगा या उसका क्लोज़र होगा। फेमिनाइन के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सी सोल्स का रीयूनियन यूनियन हो सकता है। उनका डिवाइन टाइम आएगा। फेमिनाइन के लिए उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ हमारे मैस्कलाइन रिलेशनशिप में एफर्ट लगाते नज़र आ रहे हैं। एनर्जी काफ़ी हाई है, काफ़ी बड़ा चेंज उनमें आया है और यह चेंज हमारी फेमिनाइन की ओर उन्हें लेकर आ रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि फेमिनाइन एक डिवाइन सोल है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन खुद से ही उनकी ओर आ जाए, बट अब सोच रहे हैं कि मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ, मैं ही फेमिनाइन को मना लेता हूँ। सो यहाँ मैस्कलाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके साथ क्लोजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ बढ़ा रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। फेमिनिन को एक स्टार की तरह देख रहे हैं और उनके लिए प्यार उनमें बढ़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनिन मेरा
घर या मुझे अच्छे से संभाल सकती है। वो उन्हें एक अच्छा मैरिज मटेरियल मान रहे हैं, उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, बट फिर भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि वो क्या करे, कैसे फेमिनाइन को अपनी लाइफ में लाए, कैसे चीज़ें ठीक करें, बट कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन के बारे में वह सोच रहे हैं। जिन सोल्स का सेपरेशन चल रहा है या फिर वो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, वह कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को वह समझना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, तो वह एक बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। उनमें जो चेंज आ रहे हैं या फिर आएंगे, उन्हें आप जल्द ही फील करेंगे। बहुत सी सोल्स कर भी रही होंगी, सी सोल्स ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से रूडली बिहेव कर रहे हैं, ईगो और एटीट्यूड से डील कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो इस कारण भी बहुत सी फेमिनाइन स्ट्रक है। उन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन रिग्रेट की एनर्जी में हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, स्टक एनर्जी में हैं, काफ़ी दुखी हो रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन क्राइंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी थका हुआ हारा हुआ फील कर रहे हैं। वो फेमिनाइन के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट जो कुछ वो फेमिनाइन को देना चाहते हैं दे नहीं पा रहे हैं, जिस कारण उदास हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। फेमिनाइन को कमिटमेंट देना चाहते हैं बट कुछ मजबूरियों के चलते दे नहीं पा रहे हैं, जिस कारण वे दुखी भी हो रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं, हेल्पलेस खुद को पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस ओवरथिंकिंग में हैं, कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही हैं, या थर्ड पार्टी फैमिली पेरेंट्स आदि के चलते भी फेमिनिन की तरफ वह नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएँ, और रीयूनियन या 111111 लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।